गौण ब्राह्मण समाज द्वारा बहरारा माता मंदिर पर आयोजित आदि गौण ब्राह्मण जन संवाद एवं आदि गौण ब्राह्मण सम्मेलन में जिला अध्यक्ष राजवीर गौण ने समाज की एकता और संगठन के विस्तार की चर्चा की। कार्यक्रम के आयोजक आदि गौण ब्राह्मण इकाई कैलाश अध्यक्ष दीपक गौण रहे। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम के लिए पधारे सभी अध्यक्ष मंडल का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम एवं परम पूज्य संत श्री 1008 मुरारी दास महाराज के चित्र के सक्षम दीप प्रज्वलित करके किया गया। जिन्हें अध्यक्ष राजवीर ने बताया कि गौण ब्राह्मण समूह को संबोधित करते हुए कहा कि जातिवाद के लिए ब्राह्मण दोषी नहीं है। ब्राह्मणों ने कभी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया। जातिवाद को बढ़ावा सरकारों ने और देश के संविधान ने दिया है। उन्होंने कहा कि आदि गौण ब्राह्मण जाति नहीं, संस्कार है, ज्ञान का भंडार है। लोगों को ज्ञान बांटकर उनका मार्गदर्शन करना ब्राह्मण समाज का कर्तव्य रहा। आदि गौण ब्राह्मण ने हमेशा सभी वर्गों के भले के लिए कार्य किया है। मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति का पालन किया और शासन सत्ता के लिए भी दूसरे लोगों को अवसर दिया। आदि गौण ब्राह्मण नवयुग मंडल जिला इकाई मुरैना, आज जिला की कार्यकारिणी की घोषणा की है। इसमें सभी पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है, अपने दायित्व का खुद निर्वहन करेंगे। आगे से हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और आगे की जो भूमिका होगी उसको हम आगे समाज के हित में जो भी कार्य होंगे उनको करेंगे। जैसे प्रतिभा सम्मान समारोह है और जो भी कार्य होंगे, किसी पे कोई विपता या परेशानी हो उस पे भी हम कार्य करेंगे। और अगर किसी पे कोई चीज़ की ज़रूरत हो, हमारी अगर ज़रूरत कहीं भी पड़ रही हो तो हम उस पे भी कार्य करेंगे। आदि गौण ब्राह्मण समाज के लिए हम समर्पित हैं, ऐसी हमारी सभी जिला की आशा है। आज का कार्य सभी को पहले सादर जय श्री राम। आज का जो आदि गौण ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम रहा, ये एक समाज में नई चेतना नई जागृत की अवस्था है और युवा पीढ़ी जागृत अवस्था में है। और ये जो युवा पीढ़ी है, मैं समस्त हिंदू समाज के लिए भी जागरूकता का अभियान के तहत ऐसे कुछ विचार लेकर के अगर समाज आगे बढ़ता है और हिंदुओं के बारे में भी चिंतन करता है समस्त राष्ट्र के युवा, तो बड़ा उत्तम विषय रहेगा। अच्छे मार्गदर्शन के लिए सारे बड़े वरिष्ठ लोग यहाँ मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हैं और मैं भी यही चाहता हूँ कि सभी संगठित होकर के समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहें। मुरैना से गौरव गौड़ की रिपोर्ट।